दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ 69वें राष्ट्रीय पुरस्कारों का आयोजन, जहां वहीदा रहमान, अल्लू अर्जुन, आलिया भट्ट और कृति सेनन के साथ कई फिल्मी हस्तियों को सम्मानित किया गया। और उन्होंने भारतीय फिल्मों में न केवल अपना आयाम स्थापित कराया, दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के से सम्मानित किया गया। इस मौके पर वहीदा रहमान थोड़ी भावुक भी हुई। फाल्के पुरस्कार से सम्मानित, ये मैं अवार्ड अपने फिल्म इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे शुरू दिन से बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया। कोई भी एक इंसान एक पूरी पिक्चर नहीं बना सकता, उन सबको हम सब की जरूरत होती है। थैंक यू वेरी मच। वहीं 69वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में गंगूबाई काठियावाड़ी, आरआरआर, उद्धम सिंह जैसी फिल्मों ने कई अवार्ड अपने नाम किए। इन अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला आर माधवन की फिल्म रॉकेट्री को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए। वो तेलुगु फिल्मों के पहले ऐसे कलाकार हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए मिला। वहीं पंकज त्रिपाठी को इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड गया पल्लवी जोशी को फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए और इसी फिल्म को राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने की श्रेणी में बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया। करण जौहर के बैनर तले बनी शेरशाह को स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया। वेरी ऑनर्ड, वेरी हम्बल दैट वी रिसीव्ड द अवार्ड फॉर आवर फिल्म शेरशाह। विष्णु वर्धन द फिल्म मेकर, द एंटायर टीम ऑफ शेरशाह, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, एवरीबॉडी, वी आर वेरी हम्बल्ड एंड वेरी ऑनर्ड। बहुत ही बड़ा मोमेंट है एज यूजुअल, आई मीन एज बट ऑब्वियस, और आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू। जस्ट वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड एंड फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड दिस वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट। Especially because it's for Mimi and also my parents were there here watching me. I don't think I've felt this before. Very happy and proud. Thank you very much. It's a lovely award and feels gratifying. ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीतने वाली फिल्म आरआरआर को कई अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें बेस्ट पॉपुलर फिल्म, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन और बेस्ट कोरियोग्राफी के अवार्ड भी शामिल थे। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड विकी कौशल की फिल्म उद्धम सिंह के नाम रहा। पैन नलिन की फिल्म छेलो शो को बेस्ट गुजराती फिल्म का अवार्ड दिया गया। इस फिल्म को आधिकारिक तौर पर भारत की ओर से ऑस्कर में भी भेजा गया था, पर ये ऑस्कर अवार्ड नहीं जीत पाई थी। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।